वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का तो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब एक दो दिन हो गए उस चीज़ के, लेकिन आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ उसके बारे में। सो आई वुड लाइक टू से दैट 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज तो हम जाने वाले हैं एक जगह पे, मतलब कॉलेज वहाँ जाना है, क्योंकि मम्मी का एक एडमिशन करवाना है। सो कैन यू बिलीव दैट आई एम सेइंग दैट, मम्मी का एडमिशन करवाना है इन द एज ऑफ 48 एंड 49। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आई गेस एक 15 टू 20 डेज पहले मम्मी का BA BEd का रिजल्ट आया था। सो शी वॉज इन द फर्स्ट क्लास मेरिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हर, एंड शी इज प्रूविंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर फॉर डूइंग पर्टिकुलर थिंग्स। तो एट द एज ऑफ 48 शी कम्प्लीटेड हर BA BEd डिग्री, एंड नाउ शी इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ वेरियस कोर्स। तो वो कोर्स जिस बारे में है वो मम्मी आपको खुद से बताएगी, क्योंकि हम अभी निकलने वाले उधर ही। तो यश को जो गाड़ी, वो गाड़ी लेके आने वाला है, तो वी विल गो इन दैट। टू व्हीलर पे जाने का प्लान था, लेकिन अभी रेनी सीजन चालू है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, और हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है। खेड़शिवापुर करके उस जगह का नाम है, टोल नाका, पुणे जिल्ह्याचा टोल नाका, हाँ असं म्हटलं तरी चालेल। तो आता आम्ही तिकडे चाललो आहे। तो अभी जो भी बाकी चीजें रहेंगी बताने के लिए वो आपको गाड़ी में पता चल जाएगा। माय मदर मीन्स चला टीचर विल एक्सप्लेन यू पर्टिकुलर थिंग्स। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। एंड मैं जानता हूँ कि आप वीडियो देखते देखते इतने मग्न, इतने व्यस्त हो जाते हो कि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज 2 सेकेंड लगा के लाइक बटन दबा देना। डायरेक्टली मम्मी आपसे बात करने वाली थी, जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन हमारे मम्मी को आज का प्लान कुछ अच्छा नहीं लगा जो मैंने बनाया था उनके लिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है पहली बार मुझे किसने 4-व्हीलर दी थी, मतलब ठीक तू ले जा यूज़ कर ले, क्योंकि कभी मैं जितने भी बार मैंने दोस्तों से पूछा था 4-व्हीलर के बारे में, कोई ना कोई तो रीज़न रहते ही थे उनके पास रहते थे, मतलब वो जेन्यून रीज़न हो भी सकता है। तो मुझे कभी 4-व्हीलर तो कभी मिलती नहीं थी, 2-व्हीलर तो खुद अपने पास खुद ही, तो किसको मांगने की ज़रूरत अब तो पड़ी ना अब तक। तो लेकिन मम्मी को मैंने बोला मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, इसी तरह मुझे आज के दिन मिल गई थी 4-व्हीलर, लेकिन वो बात राज नहीं है मम्मी को। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, तो मम्मी बोली तो स्कूल में क्यों आ रहा लेने के लिए 2-व्हीलर पर, 2-व्हीलर पर नहीं मैंने 4-व्हीलर लेके आ रहा हूँ करके। तो मम्मी ने बोला मत आ, थोड़ा प्लान चेंज हो गया। मैंने क्या हो गया, जो भी वो कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है, वो भी लास्ट डेट है आज, तो तू यहाँ मत आ, डायरेक्ट कैफ़े में आ जाएगा, मतलब कंप्यूटर कैफ़े में, तो वहाँ पर फॉर्म भर देंगे। कभी नहीं तो आज मिल रही थी 4-व्हीलर, मैंने प्लान भी बना लिया था, एक कंटेंट मिल जाएगा अच्छा। मम्मी के साथ खाना खाने के लिए गए बाहर करके, लेकिन सब चौपट हो गया प्लान। तो यश को मैंने बोल दिया था करके तू जल्दी से तैयार हो जा, और उसकी दोस्त की गाड़ी थी उसने दे दी थी यश को, मुझे भी नहीं यश को दी थी। तो यश बोला मेरे घर पर आ जा, वहाँ से उसको पिकअप करने था, फिर उस दोस्त के घर पर जाके वहाँ से 4-व्हीलर पिकअप करके मम्मी को लेके फिर जाना था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। Anyway, the thing is, at the age of 49, my mom got her, what we say, degree certificate, I would like to say. Degree मतलब उस मम्मी का BCom हो गया था पहले, तो अभी कुछ तो BA BEd या BA BEd ऐसा कुछ तो मम्मी का अभी हो गया वो, और उसमें भी कुछ तो मम्मी को 83 या 84% कुछ तो मिले, which was a fantastic thing, and मुझे लगा आज मम्मी से पार्टी ले ही लेंगे उसके बारे में, नहीं तो मैं खुद दे दूंगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तो अभी कुछ 12 बज रहे हैं, मेरा भी थोड़ा एक प्लान था, मतलब मेरा एक बिजनेस का जो PPT बनाने का था हमें, मतलब मैं यश और रोहन तो पुणे में है, तो शायद से मैं 4-5 बजे निकलूँगा यश के घर पे, तो वहाँ पे PPT बनाना है, आज के दिन ही कंप्लीट करना है वो। कट झाल्यासारखंच झालंय, जातलं वाचलं पण नाही म्हणजे तेवढंच आहे की नाही सुजलाय त्याचा पाऊल ये हम्म।
मच्छर झाले हो मच्छर पावसामुळे बरोबर झाले झाडी आहे ना सगळी नाही काय करतो बाबा बघतायत ते काय झाले ते काय पकड कर हात लावून देतो ते येतो पकड पकड दाखव ते उघडून ते खाली मक्यात काय आहे का बघायचं रक्कम थांब थांब नाही तुला तुलाच बघता येते थांब वाचतो त्याला डायरेक्टली चेहरा पण नाही असं नाही पकडल्यावर ते जास्त हे करून तो ते चाटतोय ना त्यामुळे ते जखम ड्राय होणार नाही ते ओलीच राहील त्याला खायला टाकते त्यावेळेस सोडायचं सोडायचं खायला टाकलं की एक दोन दिवस तरी लावलं तर ड्राय होऊन जाईल वरती मेडिकल मध्ये मिळतो ना तुम्ही हा तुम्ही या बाजूला जास्त तिकडे जा थांब दोन मिनिटं तुला सुद्धा हे करते झालं 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 काय झालं पळायचं नाही ये थांब थांबवायचं नाही अजिबात दोन मिनिटं थांब झालं थांब चाव तुला मच्छर गेलं गेलं मच्छर गेलं नाही माझ्याकडे होता आधी रक्त आलं काय बोटात हो रक्त आलं कुठून बोटात ना ते बघ थांब 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 काय नाही करत थांब अरे ते कापूस लावते थांब थांब पळू नको थांब थांब ते रक्त ते थांब ते कॉटन लावतोय थांब कसं वाटलं अम्मा माझा प्लॅन चौपट करू ना आजचा हा जायचं होतं ना आपल्याला कॉलेजवरती अम्मा टेल मी हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स बाय गेटिंग युअर डिग्री सर्टिफिकेट ॲट द एज ऑफ 150 अम्मा व्हॉट आय एम आस्किंग डोंट इट चिप्स इट्स 10 o'clock सांग अम्मा पटकन सांग एक्सपिरियन्स शेअर कर तुझा पटकन अरे सबस्क्राइबर जानना चाहते आपने कैसे किया ये मुश्किल काम 200 की उम्र में क्या हो गया ठसका लग गया खू खू अरे यहाँ पे देखो अम्मा पप्पा गए गाँव अभी व्लॉग कर सकते घर में अरे सांग ना बाबा एक मोटिवेशन मिले ना लोकांना तुझ्याकडून थांबू का बर ऍडव्हर्टाइज देखने के लिए थांब जरा 10 वाजे तरी मम्मी चिप्स खाती ते पण क्रीम एंड ऑनियन खाना खाओ खाना क्या कहा आपने सबसे भंगार एक्सपीरियंस क्यों क्या हो गया मम्मी क्या हो गया बताओ रे सांगायचं असं व्यवस्थित सांगायला लागतं ते असं थोडीचे मग सांग सांग व्यवस्थित आम आता सांग तू एक अप तू व्हिडिओ चालूच आहे हे सगळं टाकणार मी काय टाकायचं अम्मा सगळं सगळं अपलोड करणार मी सगळं अपलोड कर सांग ना अम्मा काय नाही चांगला एक्सपिरियन्स आहे बघा ना Ha 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 ha!